मिन मिन करके दबके रहने वाली लड़की नहीं है। अगर तुम ऐसे ही उसको ढील देते रहे ना तो एक रुपया भी तुम्हारे हाथ पे नहीं रखेगी। लिख के रख लो मेरी ये बात। कैसे नहीं रखेगी? औरत बाहर जितनी मर्जी तुरम खाओ, घर बचाने के लिए उसे शोहर के आगे भीगी बिल्ली बनना ही पड़ता। अरे शोहर रोब में रखेगा तो दबेगी ना, तुमने तो खुली छुट्टी दे रखी है उसे। लो भला बताओ, 4 दिन हो गए उसको मैके में जाके बैठी हुई है, मरने वाली तो मर गई ना। अब आखिर घर को देखे, घरदारी संभाले, भाई ससुराल है उसका, नई नई शादी हुई है, शोहर है, उसको तो कोई ख्याल ही नहीं है। आ जाएगी? नहीं आएगी, लिख कर रख लो मेरी ये बात, जब तक तुम उसे लेने नहीं जाओगे। अरे उसे तो मजे लग गए मैके में रहने के। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर बीवी को काबू रखना है ना तो उसे अभी से कंट्रोल करो, वरना भूल जाओ कि वो इस घर की कोई जिम्मेदारी उठाएगी। वैसे भी वो मिन मिन करके दबके रहने वाली लड़की नहीं है। अगर तुम ऐसे ही उसको ढील देते रहे ना तो एक रुपया भी तुम्हारे हाथ पे नहीं रखेगी। लिख के रख लो मेरी ये बात। कैसे नहीं रखेगी? औरत बाहर जितनी मर्जी तुरम खाओ, घर बचाने के लिए उसे शोहर के आगे भीगी बिल्ली बनना ही पड़ता। अरे शोहर रोब में रखेगा तो दबेगी ना, तुमने तो खुली छुट्टी दे रखी है उसे। जाओ जाकर उसे लेकर आओ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं तुम्हारी खिदमतें करती फिरूं। अरे मैं तो बहू को इसलिए ब्याह कर लाई थी कि अब वो घर संभाले, घर के काम काज करे, मुझे भी कुछ आराम मिले। लेकिन मेरे नसीब में कहाँ आराम, आराम तो उन मोहतरमा के नसीब में जो घर जाके बैठ गई हैं अपने और आराम फरमा रही हैं।